आज हम ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ग्रंथि क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इनके द्वारा कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं। हम पढ़ने लिखने की उम्र में दूसरी हरकतों में चले जाते हैं, किसकी वजह से? इन हार्मोन्स की वजह से, ग्रंथियों द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनकी वजह से। हम ज़्यादातर लोग लड़ाई करते हैं, उच्च दंगा करते हैं, उनमें भी कई कई में हार्मोन प्रॉब्लम होती है। कोई ज़रूरी नहीं है, रियलिटी नहीं है, जो बात होती है वो रियल बात नहीं है। जैसे ग्रंथि, ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लैंड। ग्रंथि को 3 भागों में बांट दिया, बहिःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि को एक्सोक्राइन बोलते हैं इंग्लिश में, अंतःस्रावी ग्रंथि को एंडोक्राइन बोलते हैं, और मिश्रित ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। अब सबसे पहले बहिःस्रावी अंतःस्रावी में अंतर क्या है? अंतर यह है, बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा एंजाइम स्रावित होते हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का श्रवण होता है। पहला अंतर, बहिस्रावी ग्रंथि द्वारा एंजाइम श्रवण होता है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का श्रवण होता है। बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम को किसमें छोड़ेगी? नली के अंदर। बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम को नली के अंदर छोड़ती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन को किसके अंदर छोड़ेगी? ब्लड के अंदर। यानी इसमें नली नहीं पाई जाएगी और इसमें ब्लड टच नहीं होगा। जैसे अपन कहते हैं लहूबन के आंसू पिघलने लगे हैं, यदि आंसुओं में कभी खून देखे तुमने, आंसू के साथ कभी खून आ सकते हैं क्या? ये सिर्फ गाना बनाने के लिए है, आंसू बन गए लहू। अब आंसू कौन सी ग्रंथि हो गई? बहिस्रावी। यानी जो बाहर निकलेगा पदार्थ उसको क्या बोलेंगे? बहिस्रावी। और जो अंदर ही अंदर मटेरियल रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी। तो बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखो, बहिस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है। जैसे आँख, आँख एक बहिस्रावी ग्रंथि है। जैसे लार, लार एक बहिस्रावी ग्रंथि है। जैसे पेशाब, पेशाब एक बहिस्रावी ग्रंथि है। जैसे उल्टी, उल्टी एक बहिस्रावी ग्रंथि मानी जाएगी। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होगी? जो अंदर ही अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। और ये हार्मोन जो टॉपिक है इतना डीपली टॉपिक है, और हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें भी इसके बहुत उपयोग है। अब इसको डिटेल से जानेंगे, पहले अपन बहिस्रावी पढ़ेंगे, फिर डिटेल से अंतःस्रावी को पढ़ेंगे, और फिर मिक्स्ड ग्लैंड को पढ़ेंगे। मिक्स्ड ग्लैंड को